Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. And, students, today we are going to do an important topic that is depreciation. questions this topic. And you should do this. It is easy topic. Just by going through this topic for like 10-15-20 minutes, you can easily cover it. And you should do that, right? So, my name is Ramandeep Singh, and I have been teaching on Bank Exam for last 12 years now. And this is my WhatsApp number where you can ask your doubts, right? वट इज डिप्रीशन स्टूडेंट्स डिप्रीशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या सी स्टूडेंट्स, से यू बाई अ कार आप आज एक कार खरीदते हो यू बाय अ कार फॉर लेट्स टेन लाख रुपीज दस लाख रुपये की आपने कार खरीद लिया दो हजार तेईस में वट वुड बी द वैल्यू ऑफ कार इन 2027 ट्वेंटी सेवन दो हज़ार सत्ताईस में ऑब्वियसली इसकी वैल्यू दस लाख से कम हो जाएगी बिकॉज इन जनरल डे टू डे लाइफ वैल्यू कम होगी वट आर द रीजन्स वैल्यू कम होने के चेंज इन टेक्नोलॉजी जनरल वियर एंड टीयर पुराना हो गया आपने यूज़ किया है एक वैल्यू लाइफ होती है कार की कार की जनरली लाइफ कितनी है पंद्रह साल की लाइफ है ऑबियसली राइट फिफ्टीन ईयर्स की लाइफ है और आपने पाँच साल यूज़ कर लिया तो उसकी ऑबियसली लाइफ कम होती है और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अच्छी चलती है और उसकी स्टार्टिंग में लाइफ तेजी से कम होती है राइट दैट इज़ वाई देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन यू हैव टू अकाउंट दैट ओके सो लेट्स से फॉर योर बिजनेस यू बॉट अ कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल फॉर माई बिजनेस और माई फॉर टीचिंग आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर वन रुपीज़ वन लैख आई एम गोइंग टू यूज दिस कंप्यूटर फॉर लेट्स से फाइव ईयर्स पाँच साल के लिए मैंने यूज करना है सो इफ़ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन माई बुक्स अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है आई हैव टू पे टैक्सेज वन लाख रुपी इज़ नॉट माई यू नो एक्सपेंडिचर इन द वेरी फर्स्ट ईयर आई हैव टू यू नो डिस्ट्रीब्यूट इड इन द फाइव ईयर्स पाँच साल पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड uh, डेप्रिसशन लगाएंगे उसके लिए राइट right? अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्होंने अपने अलग अलग रेट्स दिए हुए अलग अलग टाइप uh, के एसेट्स के लिए ठीक है दैट इज वाई देर इज एन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन टू फाइंड द ट्रू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ओके इट हेल्प्स इन टैक्सेशन एज वेल ओके इन जनरल एसेट्स फिक्सड एसेट्स वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन इन दुक्स ऑफ अकाउंट इट इज डिप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है एसेट यहाँ पे क्रेडिट में आ गया तो इट वन लाख से इसकी वैल्यू एसेट की कम होती जाएगी बुक्स में ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जरूर पढ़ें टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन जनरल एंट्री आपको तब समझ में आएगी अगर आपने कभी जनरल एंट्री नहीं करी तो शायद आपको ये समझ में ना आए बट वट इज इंपॉर्टेंट द मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट को करने हैं वट आर द फैक्टर्स कॉज डिप्रिसिएशन जनरल वियर एंड टीयर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्सिलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं फॉल इन मार्केट वैल्यू इन जनरल फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर्स एक गुड uh, एग्जांपल देता हूँ कंप्यूटर्स इन 2020 इन 2020 ट्वेंटी आई स्टिल रिमेंबर सैमसंग एस एस डी वन टी बी एस एस डी वन टी बी एस एस डी वॉज वर्थ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ राइट डाउट इज सिक्स थाउजेंड रुपीज़ ओनली ठीक है within like two years the price has gone down by a huge margin so the, obviously the value gone down as well right accidents can happen the technology uh, there used to be ddr 3 ram ddr 3 ram was used in 2020 2019 right but now there is ddr 5 okay the technology has totally been changed bigger rams are there new processors are there इन केस ऑफ कंप्यूटर्स इवन इन केस ऑफ कारोजी इन केस ऑफ कार इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी इट इज वियर एंड टीयर सो दैट्स कॉमन रीजन बिहाइंडन दैट इज अ रीजन बिहाइंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इसी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है फीचर्स ऑफ डिप्रसेशन टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं राइट आपने एक लाख रुपये का पी सी लिया हर साल से आई गेस फोर्टी परसेंट टैक्स क्लेम कर सकते हैं ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चलेगा रिटर्न डाउन क्या होता है ऑबियसली uh, एक लाख का पीसी लिया अगर हर साल एवरी ईयर आई एम यू नो चार्जिंग ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स आई हैव इनफ फंड्स मैं पैसे अलग रख लेता हूँ एसेट खरीदने के एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर सो दैट हेल्प इन टू फाइंडिंग आउट द ट्रू बिजनेस पिक्चर अगर मैं डिप्रिसिएशन ही के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा मैंने अपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया है ऑब्वियसली फिर आप कंप्यूटर्स वगैरह पे जो फिक्स्ड एसेट है उसकी ही नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने पैसे कमाए हैं राइट डेप्रिसिएशन ट्रू पिक्चर दिखाता है आपके बिजनेस की ठीक है एडवांटेजेस क्या है ट्रू प्रॉफिट दिखता है एसेट को रिप्लेस करने के आप फंड इकट्ठे कर लेते हो ट्रू यू गेट द ट्रू पिक्चर गेट फंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स Uh, disadvantages uh, determination of life of an asset. Some people run an, uh, run a car for like five six years. Some people they drive it for like twenty years. So it's very difficult to find the life of a car or, uh, or some assets, and it is difficult to replace some assets. Okay, methods. Now that is important. Straight line, diminishing value, machine rate, double declining method, and sum of years digit method. Five methods are there. Sari ke important what is straight line method so let me give you a simple example in the straight line method in the straight line method you get a depreciation rate okay so in the starting year in the year 0 in the year 0 the value of asset is let's say 10000 uh, 10000 rupees so every year uh, value of an asset is 10000 that is the cost or value of an asset depreciation rate is 10% and life of asset is 10 years. So, Harsal 10 per up lagali har depreciation is there. Okay, every year 1000 rupee ka depreciation, right? So, the simple formula depreciation per annum cost minus residual value divided by useful life. Let's say the cost of an asset is 10,000 rupees and residual value is zero, uh, useful life is 10 years, right? सो दैट इज अ डेप्रिसिएशन पर एन एम यू आर गोइंग टू चार्ज थाउजेंड रुपी डेप्रिसिएशन पर एन एम कुछ रेजिडियल वैल्यू है तो उसमें से माइनस कर दीजिए दैट इज हाउ द स्टेट लाइन मैथड इज कैलकुलेटेड वॉट इज यूनिक अबाउट दिस मैथड सो फॉर टेन ईयर्स द डेप्रिसिएशन रिमेन सेम हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है हर साल हजार हजार रुपये का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे हर साल दस हजार की वैल्यू है किसी एसेट की दस साल की लाइफ है उसकी तो हजार रुपए डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करोगे जनरली डे टू डे लाइफ में ये मेथड यूज नहीं होता है ठीक है दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ओके सो आई होप यू आर यू अंडरस्टूड अबाउट द रेजिडुअल वैल्यू व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू लेट्स अज्यूम दैट यू बॉट रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर लेट्स ए द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर Uh, is let's say fifty five thousand cost of refrigerator is fifty five thousand the scrap value the scrap value also known as residual value is rupees five thousand okay so if you and uh, the life of this uh, asset is 10 years the salka life if you want to calculate the depreciation it is fifty five thousand minus the residual value. Divided by the life, okay. So, how much it is 5000 rupee per year? Ka depreciation you are going to charge, okay. So, what is the rate of depreciation if you want to calculate? 1 divided by useful life multiplied by 100 percent. That is the rate of depreciation, okay. That is what that's a rate of depreciation. So, it is 1 divided by useful life multiplied by 100. That is 10 percent. So, that's how you can calculate the rate of depreciation. Very easy, okay. Uh, a good example. Vaise we have already done that a fixed asset having a useful life of three years. Uh, exam mm -hmm. Purchased on first of January twenty thirteen. Cost of asset is two thousand rupee. Residual value five hundred rupee. So simple. Cost minus residual value divided by useful life. So fifteen hundred divided by three five hundred rupee per annum. This is the depreciation per annum. Okay. That is what the depreciation. पर एन एम फॉर सिक्स मंथ्स इट इज टू फिफ्टी रुपीज फॉर वन ईयर इट इज़ फाइव हंड्रेड रुपीज ओके वॉट इज डबल डिक्लाइनिंग मैथड एज अ नेम सजेस्ट टवाइज द डिप्रिसिएशन रेट इज चार्ज जो स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लीजिए दस परसेंट डिप्रिसन चार्ज करी जा रही थी अभी डबल डिप्रिसिएशन चार्ज करी जा रही है ओके डबल सो लेट्स एज्यूम द कॉस्ट ऑफ एसेट इज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर एक लाख सेलवेज वैल्यू ग्यारह हजार डॉलर यूजफुल लाइफ इज एट रेट कितना है डेप्रिसन रेट का सेम फॉर्मूला राइट वन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट वन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड परसेंट दिस इज द डेप्रशन रेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मैथड डबल डिक्लाइनिंग साढ़े बारह परसेंट आ गया <coughs> आठ साल की लाइफ है तो हर साल साढ़े बारह परसेंट सो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो साढ़े बारह साढ़े बारह आठ टाइम्स ट्वेल्व पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय एट तो ये हंड्रेड हो गया आपका ठीक है But because this is double declining, double rate pe decline ho ra hai. Sade bara multiplied by do 12.5 multiplied by two. So 25% is the double declining balance method ke according depreciation rate. So in the very first year, the depreciation is 25%. So 100,000 ka 25%, 20,000, 25,000. Second year. Mein. <clears throat> सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी डॉर्स सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड ठीक है वॉट इज डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल मैथड डे टू डे लाइफ में यही यूज होता है आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही रिकमेंड करता है सो इजी लैंग्वेज में पहले समझा देता हूँ लेट से द कॉस्ट ऑफ एसेट इन द वेरी फर्स्ट ईयर जब परचेज किया ईयर जीरो में तो थाउजेंड थी ठीक है लेट से टेन परसेंट डिप्रिसिएशन है सो so, पहले साल डिप्रिसिएशन टेन परसेंट इज हंड्रेड रुपी थाउजेंड का टेन परसेंट हंड्रेड रुपीज नाइन हंड्रेड वैल्यू रह गई अब इंस्टेड ऑफ थाउजेंड का टेन परसेंट नाइन हंड्रेड डिमिनिशिंग वैल्यू है नाइन हंड्रेड इसका टेन परसेंट सो कितनी रहेगी एट हंड्रेड एंड टेन देन इसका टेन परसेंट एट्टी वन सो दैट इज वॉट डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड अभी जो डिमिनिशिंग वैल्यू होती है उस पर आप जो है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं दैट इज वॉट द रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन इज सो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सालवेज वैल्यू मल्टीप्लाइट इज हाउ वी कैल्कुलेट दैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड इजिएू ऑफ एसेट इच इयर सो नेट बुक वैल्यू सो मोर डेप्रिसिएशन इज लेविड इन द अर् ईयर स्टार्टिंग में ज्यादा है और ये डेप्रिसिएशन कम होती जाती है विदाइम ठीक है दैट इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड ओके वेरी इजी आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा स्ट्रेट लाइन पे सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी टेन परसेंट अगर सौ रुपये चार्ज हो रही है तो हर साल सौ सौ रुपये चार्ज होती जाती डबल uh, डिक्लाइनिंग में डबल uh, रेट हो जाता है डेप्रिसिएशन का अगर दस परसेंट थी तो बीस हो जाती है डिमिनिशिंग वैल्यू में यू कैन सी वैल्यू डिमिनिश हो रही है हजार से नौ सौ तो उस पर दस परसेंट चार्ज होगी एंड मशीन आर रेट मेथड so every machine every asset has life so in case you can calculate uh, the life of an asset in number of hours so uh, a good example is computerized machine uh, in case of ossori machine you can actually do that the company tells you that this machine can be used for that many hours so in that case it is actually easier to find out the cost पर आर ठीक है तो आप पर आर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेवी करते हो सो द मशीन आर रेट इज सिमिलर टू लेबर आर रेट मैथ इट इज यूज वेयर द वर्क इज परफॉर्म प्राइमरलीक्ट्री ओवर थ्री लाख एंड टोटल मशीन आर इज फिफ्टीन हंड्रेड एंड मशीन आर रेट इज टू हंड्रेड पर मशीन सो दैट्स हाउ सिंपली यू कैन कैलकुलेट द मशीन आर रेट ठीक है आप मशीन आर रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो सो थ्री लाख डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड सो यू गॉट द मशीन आर एट दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिप्रीसी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्स अपने जितने आर भी आपकी मशीन यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज द डिप्रीसी बट जनरली दिस मैथड इज नॉट यूज फॉर टैक्सेशन परपजेज बट इट कैन भी यूजड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज नॉट इन जनरल वे टैक्सीशन एंड अदर ऑफिशियल uh, वर्क ये ज़्यादा यूज नहीं होता है ठीक है डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट लाइफ ऑफ द मशीन दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज एंड इट कैन नॉट बी यूज इन ऑल काइंड ऑफ बिज़नेसेस. द मोस्ट कॉमन मैथड इज अ डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड बिकॉज दिस मैथड इज एक्सेप्टेबल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ओके द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड वन ऑफ अन अदर बुकिश मेथड इसमें क्या है कि ईयर दिए गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सो इन द वैन यू बॉट द मशीन द लाइफ ऑफ मशीन इज़ फाइव ईयर सो इन द फर्स्ट ईयर द रिमेनिंग लाइफ इज़ फाइव ईयर नेक्स्ट ईयर इट इज़ फोर ईयर सो धीरे धीरे लाइफ घटती जा रही है एंड द टोटल इसका टोटल लगा लीजिए इट इज़ फिफ्टीन सो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन

सो दैट इज सम ऑफ़ ईर्स डिजिट मैथड एग्जाम में कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल मैथड आ जाते हैं वेरी कॉमन uh, ये पेपर में आया हुआ है एक बार सम ऑफ यस डिजिट मैथड ऑल दो ये यूज नहीं होते डे टू डे लाइफ में बट एग्जाम में आ जाते हैं So IBPS, RRB, GBO, Scale 2, Scale 3 uh, course. In this course, we are providing video classes, notes, quizzes, test series, power capsules, and live sessions. Link to join the course is available in the description, students. I hope you like the today's session. If you are still with us, please consider joining the course. This is the WhatsApp number as well where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts. A list of our successful students. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I am really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts. Uh, drop us a WhatsApp message and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.